वेलकम माई यूट्यूब फैमिली, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है LKO मस्ती। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आ गया हूँ फिर से कार 24 में, यानी कि जे कार 24, जो कि आपका है IT चौराहा निराला नगर की तरफ। ये कार बाज़ार पड़ता है और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी, अच्छी रेंज में मिल जाएंगी और अच्छी कंडीशन में मिल जाएंगी। तो आइए चलते हैं और देखते हैं एक एक करके सारी गाड़ियाँ। यहाँ पर अभी नया स्टॉक आया था जो कम से कम 5-6 गाड़ियाँ हैं जो मैं इस वीडियो में आप सबको दिखाऊँगा। तो आइए चलते हैं, अमित भाई से मिलते हैं और देखते हैं एक एक करके सारी गाड़ियाँ। तो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन आ जाए, जैसे ही वीडियो में डालूं वैसे ही। और हमारे साथ आज फिर से हैं अमित भाई। तो अमित भाई, हमारे व्यूअर्स को हेलो बोलिए। हाय, हेलो। तो आज कौन सी गाड़ियाँ दिखाने वाले हैं हमारे लोगों को? आज छोटी गाड़ी दिखाएंगे आपको, नई आई है। अच्छा, और बड़ी गाड़ी में क्या दिखाने वाले? बड़ी गाड़ी में स्टॉर्म मिल जाएगी आपको। स्टॉर्म, तो दोस्तों स्टॉर्म के लिए कई लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि स्टॉर्म चाहिए, तो 2014 मॉडल की स्टॉर्म यहाँ पर खड़ी हुई है जो आज मैं दिखाऊंगा आपको। पूरा अंदर बाहर से गाड़ी दिखाऊंगा, उसकी डिटेल पूरी बताऊंगा। अगर किसी को पसंद आती है तो वो डायरेक्टली अमित भाई को कॉल करके उस गाड़ी को परचेज़ कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा भाई का, और अगर मुझसे भी उस गाड़ी के बारे में कुछ भी पूछना हो या मुझसे बात करना हो तो मुझसे भी बात कर सकता है। इंस्टाग्राम मेरा जो है, ये देखिए इंस्टाग्राम लिंक आ रहा होगा, उस पर जा करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं, एक एक करके दिखाते हैं सारी गाड़ियाँ। कुछ बात पहले कर लेते हैं अमित भाई से कि इससे पहले वाले वीडियो में भी की थी लेकिन इसमें भी कर लेते हैं कि ट्रांसफ़र में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पूरे यूपी में? आप कहीं भी कोई गाड़ी लेता है तो ट्रांसफ़र करा देते हैं यहीं? जी बिल्कुल, ट्रांसफ़र करा देते हैं। अदर स्टेट मतलब यूपी के ही अंदर है? यूपी के अंदर, हाँ यूपी के अंदर। 14-15 दिन लगता है समय, करा देते हैं। 14-15 दिन में आप करा देते हैं जी। उसके अलावा फाइनेंस तो यूपी का हो कहीं का भी हो जाएगा कोई? हाँ, फाइनेंस में कोई नहीं है, जितना होता है मैक्सिमम करा ही देते हैं। बस ये है कि फाइनेंस में यूपी का हो और उसमें सारे पेपर्स वगैरह उनके होना चाहिए जो जो बैंक वाले मांगते हैं, क्योंकि फाइनेंस इनका काम नहीं है, वो तो बैंक का काम है। तो आइए चलते हैं गाड़ी देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं अमित भाई ये गाड़ी, ये है सेंट्रो। तो कम बजट में ये देखिए ये गाड़ी है और काफ़ी अच्छी और साफ़ गाड़ी है। पहले आप गाड़ी की कंडीशन देख लीजिए, बेहतरीन कंडीशन में ये गाड़ी है, साफ़ है, स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। अगर बात करें थोड़ा साइडे वाइडे शायद इसकी पेंट हुई हो, बाकी तो गाड़ी ओरिजिनल है पूरी। अंदर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, गाड़ी का इंटीरियर आप देखिए बिल्कुल साफ़ है, और ये LPG है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें कंपनी फिटेड LPG लगी हुई है। तो इसमें ये देखिए LPG लगी हुई है, जो फूड स्पेस मिलेगी इसमें, ये इसमें जो अंदर लगती है छोटी वाली, लगभग एक सिलेंडर इसमें आ जाता है जी। तो ये है। तो अमित भाई, ये गाड़ी चली कितनी है? ये चली है 65,000 किलोमीटर चल चुकी है। ओनर क्या है इसका? ओनर फर्स्ट है। फर्स्ट ओनर है। तो दोस्तों 65,000 चली, फर्स्ट ओनर, और प्राइस जल्दी से बता दीजिए हमारे लोगों को। प्राइस इसका 1,60,000 रुपये है। 1,60,000 रुपये। मॉडल? मॉडल 2010 है। 2010 दोस्तों, प्लस LPG है, वो है कंपनी फिटेड है, यानी पेपर पे सब चढ़ा होगा। तो दोस्तों इसे आप परचेज़ कर सकते हैं, भाई से बात कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए दूसरी गाड़ी देखते हैं। दूसरी कौन सी गाड़ी दिखा रहे हैं भाई? दूसरी में आप K10 देख लीजिए। K10 तो K10 भी बहुत ही अच्छी गाड़ी है, आइए देखते हैं। तो ये गाड़ी आप देखिए बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में है गाड़ी, आप देखिए पहले इस साइड से CNG है, अल्टो K10 CNG गाड़ी आप देखिए बेहतरीन कंडीशन में है। इस साइड से भी देखिए, और ये CNG है भाई। इसको अंदर से भी देखते हैं पहले, अंदर से इंटीरियर इसका देखते हैं कैसा है। इंटीरियर भी बहुत ही अच्छा है इसका, अंदर से सीटें वगैरह कवर वगैरह जो इसका लगा है बिल्कुल न्यू कवर चढ़े हुए हैं गाड़ी पे। म्यूज़िक सिस्टम कंपनी से ही बिल्कुल लगा हुआ है साथ का ही, और
विंडो पावर नहीं है इसमें, पावर स्टेयरिंग है, एसी है, उसके अलावा सीएनजी है। और पीछे से भी गाड़ी देख लीजिए, K10। तो ये सीएनजी सबसे अच्छी बात ये कि कंपनी फिटेड है, अलग से लगवाने में वो बात नहीं आती है ना भाई, जो कंपनी से बात रहती है वो अलग से नहीं रहती। नहीं नहीं, जो कंपनी फिट होती है उसमें रिस्क फ्री होता है। अच्छा, बाहर से लगवाते हैं तो उसकी कोई गारंटी तो होती नहीं। गारंटी नहीं होती जी भाई। ये गाड़ी जो दिखाई है आपने जी, ये कौन सा मॉडल है सबसे पहले बताइए? ये 2014 अक्टूबर की है। 2014 अक्टूबर की है। अच्छा, मेरे हिसाब से फर्स्ट ओनर होना चाहिए, बिल्कुल फर्स्ट ओनर, क्योंकि गाड़ी साफ दिख रही मुझे। तो चली कितनी है? चली है 57,000 किलोमीटर चली है। 2014 मॉडल है, गाड़ी मस्त है एकदम। और प्राइस बता दीजिए हमारे लोगों को। प्राइस इसका 260,000 पे कोट किया है, ये 2.5 लाख तक मिल जाएगा। 2,60,000 रुपये भाई प्राइस मांग रहे हैं, बाकी 2.5 लाख तक मिल जाएगी, कुछ नेगोशिएबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बात कर सकते हैं। और गाड़ी बढ़िया है दोस्तों, गाड़ी बहुत अच्छी है, एक बार आकर के गाड़ी चेक करें, गाड़ी बेहतरीन है। की गाड़ी में अगर पेट्रोल पे सीएनजी किसी को ऑप्शन चाहिए तो अल्टो K10 से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं होता है। अच्छा, मतलब ये सीएनजी से परफॉर्मेंस अच्छा, इसका एवरेज क्या रहता है? एवरेज पेट्रोल पे लगभग आपको 17 से 18 आता है चडी में जी, और सीएनजी पे 22 का आता है। सीएनजी पे लगभग 22 का एवरेज देता है, 1.5 रुपये किलोमीटर करीब सीएनजी पड़ती है, तो काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो मतलब एक बार सीएनजी भराने में ये लगभग मुझे लग रहा है कि सिटी में अगर चलें एक बार सीएनजी 200 से 250 किलोमीटर चलेगी, तो ये सबसे बढ़िया है दोस्तों। अगर आपका बजट इतना है तो आप इसे बिल्कुल ले सकते हैं आकर के। तो एक वैगनार ये भी आई हुई है नए स्टॉक में, ये भी आप देखिए, बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में गाड़ी है। पहले तो आप गाड़ी की कंडीशन देखिए और उसके बाद इसको पीछे से देखते हैं। पीछे से भी गाड़ी एकदम बढ़िया कंडीशन में है। टायर की बात अगर करें तो टायर भी आप पास से ही देखिए, चारों टायर इसी कंडीशन में है। इसमें गाड़ी की कंडीशन एकदम बेहतरीन है इस साइड से भी। भाई अंदर से क्या पोजीशन है इसकी वो भी देखता हूँ। तो अंदर से भी कवर वगैरह एकदम बढ़िया है, गाड़ी भी साफ दिख रही है बिल्कुल। और ये देखिए इंटीरियर वगैरह इसका एकदम बिल्कुल न्यू गाड़ी की तरह है, मतलब साफ़ है, अच्छा है, जिसने भी रखा है ठीक ठाक रखा है। और मेरे हिसाब से ये फर्स्ट ओनर लग रही है, लेकिन भाई से पूछते हैं। तो अमित भाई ये कौन सा मॉडल है? ये वैगनार है, LXi, LXi फिटेड डुअल LPG है। अच्छा, ये कंपनी से इसमें LPG फिट है इसमें भी? जी जी, तो इसमें भी वही गोल वाली फिट होगी? जी बिल्कुल, डिग्गी इसमें बूट स्पेस मिलेगी आपको। 2010 मॉडल है, सेकंड ओनर है जी। अच्छा, पर गाड़ी काफ़ी साफ रखी है जितने भी रखी है जी। तो इसका क्या प्राइस रखा है आपने? ये 175 प्राइस रखा है इसका। 175 जी, 10 मॉडल 175 रखा है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में, नेगोशिएबल हो जाएगा हमारे लोग, हमारे यहाँ तो नेगोशिएबल होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फिक्स प्राइस नहीं, नेगोशिएबल हो जाएगा। तो आइए और दूसरी गाड़ी देखते हैं। और दूसरी कौन सी दिखाने वाले हैं? दूसरी में आपको स्टॉर्म दिखाएंगे। स्टॉर्म दिखाएंगे, तो काफ़ी लोग स्टॉर्म के लिए बोल रहे थे, तो आइए चलते हैं स्टॉर्म देखते हैं। और काफ़ी अच्छी गाड़ी है जो आपको बहुत ही अच्छी रेंज में मिल जाएगी, उसके लिए आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे इंस्टाग्राम पर आप आइए और मुझसे भी बात कर सकते हैं, और अमित भाई से भी बात कर सकते हैं, अमित भाई का भी नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों पहले तो ये गाड़ी देखिए आप, बिल्कुल बेहतरीन गाड़ी है। आगे से भी देखिए, इस साइड से भी मैं दिखाता हूँ, ये 2014 का मॉडल है। गाड़ी की कंडीशन एकदम ज़बरदस्त है, कंडीशन ठीक है गाड़ी की, बाकी टायर की कंडीशन भी बढ़िया है। ये देखिए गाड़ी में जो टायर लगे हुए हैं वो भी ठीक ठाक कंडीशन में है। और आइए अंदर से भी देख लेते हैं गाड़ी कैसी है। तो अंदर से भी कंडीशन आप देखिए गाड़ी की, बढ़िया कंडीशन है एकदम। पीछे से भी गाड़ी की कंडीशन आप देखिए, ये इसका इंटीरियर देखिए बढ़िया है, साफ है। गाड़ी अंदर से भी ठीक है। और ये कौन सा मॉडल है? 2014 मॉडल है ये। कितना चला है, कितना प्राइस है इसका, वो सब सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ। गाड़ी पीछे से भी देखिए बढ़िया कंडीशन में है, ये टायर इसके चारों इसी कंडीशन में है, इंजन से भी गाड़ी ठीक है। तो अमित भाई इस गाड़ी के बारे में आप बताइए कि ये गाड़ी जो आपने दिखाई है जी,
स्टॉर्म जी। तो गाड़ी तो बढ़िया है, अंदर बाहर से ठीक ठाक है। और इंजन के बारे में अगर बात करें तो इंजन उंजन वगैरह इसका कितना चला है, क्या है? गाड़ी आपकी 90,000 चली है। 90,000 किलोमीटर। और ओनर? ओनर सेकंड है। सेकंड ओनर है। और ये 14 मॉडल बताया आपने, 2014 मॉडल है जी। और गाड़ी गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है जी। तो ये कितने की, मतलब डिमांड इसकी हमने रखी है 5,25,000 रुपये। 5,25,000 रुपये। तो दोस्तों इसकी थोड़ी बार्गेनिंग हो जाएगी, थोड़ी बार्गेनिंग हो जाएगी उसमें। तो 5,25,000 में 2014 मॉडल गाड़ी है स्टॉर्म। ये गाड़ी में कोई कमी नहीं है, ये आपको मिल जाएगी। 5,25,000 मांग रहे हैं, बाकी जो होगा देख लिया जाएगा। अगर इसके बारे में बात करना है आपको तो नंबर मिल जाएगा भाई का, और डिस्क्रिप्शन में है नंबर, अमित भाई से आप बात कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे भी बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो गाड़ी ठीक है। तो दोस्तों एक गाड़ी ये भी देख सकते हैं, इको स्पोर्ट। ये है आपकी फोर्ड की गाड़ी। पहले आप देखिए, बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में, बिल्कुल साफ गाड़ी है और एक भी स्क्रैच नहीं है गाड़ी पे, दोनों तरफ आप देख सकते हैं। टायर की बात करें अगर, तो टायर की कंडीशन भी चारों इस कंडीशन में है। पीछे से भी दिखा दे रहा हूँ आपको, आइए अंदर से इसका इंटीरियर वगैरह देखते हैं। और ये सबसे टॉप मॉडल है इको स्पोर्ट का, 2015 मॉडल है और ये गाड़ी चली है 51,000 किलोमीटर। अंदर से भी गाड़ी देखिए आप, बिल्कुल बेहतरीन है इसका इंटीरियर वगैरह। और ये 51,000 चली है और प्राइस इसका है 6,25,000 रुपये डिमांड है इसकी, बाकी नेगोशिएबल हो जाएगा जब आप यहाँ पर आएंगे ऑन टेबल। 2015 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा, और आने वाले वीडियोस जो हैं वो और भी अच्छे आएंगे। तो ये जो गाड़ियाँ मैंने दिखाई हैं, ये अभी स्टॉक नया आया था यहाँ पर, पहले भी इस कार बाज़ार का वीडियो मैंने बनाया था। यहाँ पर रेट जो है वो मेरे हिसाब से थोड़ा सही रहता है हर कार बाज़ार से। लखनऊ में जितने भी कार बाज़ार हैं, हर जगह से रेट की अगर बात करें तो रेट जो है सही रहता है, क्योंकि मैंने और भी वीडियो बनाया, उसमें आपने देखा होगा कि गाड़ियों के रेट लोग क्या क्या बताते हैं। 2014 मॉडल स्टॉर्म के रेट लोग 6,500,000 रुपए तक मांगते हैं, 6,00,000 रुपए मांगते हैं, 6,25,000 मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर 5.5 मांग रहे हैं, 5.25 मांग रहे थे, 5.25 मांग रहे हैं और उसमें भी निगोशिएबल हो जाएगा। तो वो आप बात कर सकते हैं, ठीक ठाक लग रहा है मुझे। बाकी आप बात करें, गाड़ी चेक करें, दिखा लें किसी को। बाकी गाड़ी के लिए एक वीडियो मैंने बना रखा है कि अगर आपको गाड़ी का इंजन चेक करना है, गाड़ी एक्सीडेंटल चेक करना है, या गाड़ी कितनी चली है, ओरिजिनल मीटर सही है या नहीं सही है, वो सारी चीज़ें चेक करना है, तो वो आप को आई बटन पर लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप उस लिंक को टच करके उस वीडियो पर जा करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। मेरे ख्याल से वो वीडियो देखने के बाद आप कभी भी सेकेंड हैंड गाड़ी लेने में फंसेंगे नहीं, उससे आपको बहुत ही बड़ी हेल्प मिलेगी। वो वीडियो मैंने बनाया था इसीलिए, खासकर अपने सब्सक्राइबर, अपने व्यूवर्स के लिए, अपने लोगों के लिए, कि आप सब कहीं भी गाड़ी परचेज़ करें तो आप फंसे ना, कोई दिक्कत ना हो आपके साथ, इसलिए वो वीडियो आपका देखना बहुत ज़रूरी है, तो उसे एक बार जा कर के देखें। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, कुछ नया करते हुए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और हमारा चैनल देखते रहिए, LKO मस्ती। मिलते हैं एक नए वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।